हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। आज निफ्टी 189 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ है। आपको अगर हमारा कल का वीडियो याद होगा तो हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात की थी। ये जो पिंक लाइन है, ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में ये जो पिंक लाइन है 20 DMA का, ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और आज उसी लेवल से ये रेड कैंडल बना है। लास्ट हमने देखा था ये 38 दिसंबर का कैंडल रेड कैंडल बना था, उसके बाद दो ग्रीन कैंडल बने थे, लेकिन ये जो लास्ट फ्राइडे का हाई था ये ब्रेक नहीं हुआ था, इसके बीच में ये ट्रेड कर रहा था। तो इसका इम्पैक्ट अभी भी यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा था, क्योंकि रेजिस्टेंस भी यहाँ पर अभी तक ब्रेक नहीं हुआ था। तो आज यहाँ से ही एग्जैक्ट ये फॉल आया है। और आप ये आज का 5 मिनट का चार्ट देख सकते हो, जो हमने लेवल्स मार्क किए थे। आया नीचे, ब्रेक डाउन लेवल को ब्रेक किया, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट अचीव हुआ। एग्जैक्ट देखिए इन्हीं लेवल के पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हुए नज़र आया। तो आज का फॉल एक जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक नहीं कर पाया, और वहाँ से हमें एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला। अभी कल के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं ये देखते हैं। इसके लिए 60 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। ये निफ्टी का 60 मिनट का चार्ट है। अभी अगर डेली चार्ट में देखोगे तो ये RSI जो है ये अभी भी लोअर हाई लोअर लोज ही बना रहा है, यानी कि अभी तक इस तरह का पैटर्न नहीं आया जो राइजिंग बॉटम्स बनाए। जब भी RSI में इस तरह का पैटर्न बनेगा तब हम कह सकते हैं कि भाई ऊपर प्राइस एक्शन में एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। तो फिलहाल अभी ऐसा कोई पैटर्न नहीं दिखा रहा है। तो ये जो राइजिंग W वाला पैटर्न है, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ये जो लोज बनते हैं वो पहले लो से ऊपर की तरफ लो बनता है, यानी राइजिंग लोज बनते हैं, राइजिंग बॉटम्स बनते हैं, और ये W पैटर्न इसे कहा जाता है। तो ये फर्स्ट सिग्नल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, 90% टाइम जब ऐसा पैटर्न बनता है तो हमें प्राइस एक्शन में अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलता है। तो फिलहाल अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया हुआ है। अभी नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा ये फिर से एक बार 100 EMA का होगा, जो कि अराउंड 17,875 के आसपास है। अभी फिलहाल 800 पकड़ के चलते, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ से एक बाउंस बैक लिया था 7-8 दिन पहले। तो 60 मिनट के चार्ट में अगर देखें तो हमारा ब्रेक डाउन लेवल बनता है अराउंड 18,004, और इसके नीचे फर्स्ट टारगेट बनेगा हमारा अराउंड 17,967 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल होगा 17,939 का। कल एक्सपायरी है, हो सकता है हमें यहाँ पर एक फॉल के बाद एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिले, वोलेटाइल सेशन देखने को मिल सकता है कल। और ऊपर की तरफ अगर जाता है तो हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा अराउंड 18,089 के पास, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 18,113, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 18,140। तो ये निफ्टी के लेवल्स है। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी में अभी इसने फिर से एक बार ये तीनों लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोज दिया है। 4-5 दिनों से इसके ऊपर ट्रेड हो रहा था। तो कल के लिए हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा अराउंड 42,901, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। इसके नीचे फर्स्ट टारगेट का लेवल बनेगा 42,806 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल होगा 42,707 का। ऊपर की तरफ आता है तो रेजिस्टेंस काफ़ी है। ये शॉर्ट टर्म है, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, तो इन तीनों को क्लियरली ब्रेक करके आगे बढ़ेगा तभी हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। यानी हमारा ब्रेकआउट लेवल बनेगा 43,170 के पास, उसके ऊपर फर्स्ट टारगेट का लेवल बनेगा 43,245 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बनेगा अराउंड 43,338 का। तो ये है निफ्टी, बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आपको जस्ट उसके ऊपर क्लिक करना है। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब का एक छोटा सा इंट्रो। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, 5paisa है, एंजल ब्रोकिंग है। अगर आप इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे अंडर ओपन करते हैं तो हमारी जो प्रीमियम मेंबरशिप है इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, बैंक निफ्टी ऑप्शंस की, वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, सपोज अगर आपको जीरोधा का अकाउंट ओपन करना है तो यहाँ पर जस्ट क्लिक करना है,
एक वेब पेज ओपन होगा, आपका नंबर यहाँ डालना है, कंटिन्यू करना है, तो आगे की अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी। आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, रेडी है, तो एक दिन में आपका अकाउंट ओपन हो सकता है। अकाउंट ओपन होने के बाद हमें आपको इस नंबर पे कॉल करना है, ये इस नंबर पे, ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके। तो ये एक छोटा सा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।